हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जीनियस मेंटर्स क्लास के चैप्टर नंबर वन रियल नंबर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ठीक है जिसका आज हम लेक्चर नंबर स्टार्ट करेंगे ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा हमारे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर वन ठीक है ना क्लास नाइन्थ में जो चैप्टर नंबर वन आपने पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा ठीक है वो नंबर सिस्टम था हमारे पास अब नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे अलग अलग तरह के जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे तब जाके हम ये चैप्टर को स्टार्ट कर पाएंगे तो लेक्चर नंबर वन में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे पुरानी बातें भी आपको कुछ पता लगेंगी कुछ नई बातें भी आपको पता लगेंगी ठीक है चलो अगर लेक्चर को स्टार्ट किया जाए तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स ठीक है अब रियल के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं जो भी नंबर आज तक आपने सुने हैं ठीक है नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स ये सभी के सभी के ठीक है ना चाहे डेसिमल में आ जाए या कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए वो सारे के सारे रियल नंबर्स के पार्ट हैं तो इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है कुछ रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज में कुछ इरेशनल नंबर की कैटेगरीज में कई बार हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो वो अलग अलग चीजें हैं हमारे पास अब एक बात समझो रियल नंबर इसको रियल क्यों कहा जाता है क्योंकि बेटा हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि रियल नहीं होते ठीक है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे लास्ट में जाके फिलहाल हम रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो एक बात समझो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में ठीक है अब नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा है इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है ठीक है अगर किसी भी चीज की काउंटिंग करनी स्टार्ट करनी हो ठीक है आपके आसपास कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं आपको इंक्लूड करके ठीक है अगर यहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर काउंटिंग तो ऐसे ही की जाती है ठीक है तो इन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है नेचुरल नंबर बोला जाता है ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ये जो तीन डॉट मैंने यूज किए हैं इनका अपने आप में एक मतलब है ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट क्या है बेटा एंड सो ऑन मतलब इसी तरह से आप चलते रहो ठीक है ना ये नंबर्स सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो आज तक मिला नहीं है आप इनफाइनाइट इसको बोल सकते हो ठीक है ना बीच में कहीं टेन भी आएगा हंड्रेड भी आएगा फिर थाउजेंड भी, भी आएगा लैक भी आएगा और उससे आगे भी नंबर्स ऐसे ही चलते रहेंगे तो इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स सबसे पहले हमने इन्हीं नंबर्स के बारे में पढ़ा इन्हीं नंबर्स को एड करना सीखा सब्रैक्ट करना सीखा मल्टीप्लाई करना सीखा डिवाइड करना सीखा तो इसके बाद हमने पढ़ा बेटा होल नंबर्स के बारे में होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो अगर नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो वो होल नंबर कहलाते हैं ठीक है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे इसको जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन और इसी तरह से ये भी चलते रहते हैं इसका भी ग्रेटेस्ट नंबर हमें नहीं पता बीच में कहीं पे टेन भी आएगा हंड्रेड भी आएगा थाउजेंड भी आएगा और ये ऐसे ही चलते रहेंगे ठीक है तो इन नंबर्स को बोला जाता है होल नंबर्स इसके अलावा और भी नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जैसे हमारे पास आए इंटीजर्स इंटीजर्स में क्या होता है बेटा जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सिमिलरली इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं देखो आप डिफरेंस देख सकते हो थोड़ा सा ध्यान से ठीक है ना यहां पे सिर्फ वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स थे यहां पे जीरो इंक्लूड हो गया यहां पे जीरो नेचुरल नंबर्स सारे के सारे इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है ऐसे ये चलते रहेंगे ठीक है यहां पे दोनों जगह पे इस डायरेक्शन इस में भी एंड सो ऑन इस डायरेक्शन में भी एंड सो ऑन तो ये नेगेटिव की तरफ भी इनफाइनाइट पे जा रहा है पॉजिटिव की तरफ भी इनफाइनाइट पे जा रहा है तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं अब अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा अगर मैं सिर्फ इन्हीं तीनों नंबर्स को फिलहाल अगर मैं नंबर लाइन पे शो करूं, कैसे करेंगे नंबर लाइन पे शो ये देखो ये एक नंबर लाइन है ठीक इस है इसमें जीरो है वन है टू है थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन इसी तरह से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सोन तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आप स्टडी करो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं बेटा ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है ठीके? ये इंटीजर्स की एक नंबर लाइन हो गई जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ वन टू थ्री इस तरह से नंबर्स को काउंट करना है इंटीजर्स के अंदर ही प्रेजेंट है बेटा होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर ही प्रेजेंट है होल नंबर्स मतलब होल नंबर इसका एक पार्ट है हम ये कह सकते हैं ठीक है ठीके? अब इसी के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी प्रेजेंट है इसी के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर भी प्रेजेंट हैं मतलब इंटीजर्स के अंदर ही सारे होल नंबर भी हैं होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं ठीक है ठीके? अब अगर हम बात करें बेटा इनके अलावा और कौन से नंबर होते हैं तो इनके अलावा अभी बहुत सारे नंबर्स और बचे हुए हैं ठीक है 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था अगर एक नंबर लाइन को ये देखो ये एक नंबर लाइन है ओके अब हमने क्या किया इसके ऊपर नंबर्स लिखे कुछ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और एरोस का क्या मतलब है एरोस का मतलब है ये लाइन कितना भी आगे तक जा सकती है कितने भी नंबर्स इस पे आ सकते हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि नाइन्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा था हमने डेसिमल नंबर्स को ठीक है डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखा डेसिमल नंबर्स को ड्रॉ करने के बाद हमने सीखा कि जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जब हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता वो ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे वन बाय थ्री है उसको जीरो पॉइंट थ्री बार लिख सकते हैं राइट right? तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं तो उनको भी ड्रॉ हम कर सकते हैं उसको भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं ठीक है थीके? लेकिन कुछ फिक्स डेसिमल प्लेसेस तक एंड सो उनको तो नहीं कर पाएंगे तो जैसे चार डेसिमल प्लेस तक पांच डेसिमल प्लेस तक हम उसको ड्रॉ कर सकते थे वो ड्रॉ करने का क्या हमारे पास मीनिंग है या कैसे हम करते थे जैसे मुझे 2.73 इसको ड्रॉ करना है जो कि एक डेसिमल नंबर है तो नंबर्स हमारे पास सिर्फ नेचुरल होल या इंटीजर्स नहीं होते पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन में भी नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ठीक है

2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 सेवन 3. अब 2.7 तो मेरे पास मिल गया ये देखो येरा 2.7 तो मिल गया मेरे पास 73 इसको मुझे ड्रॉ करना है तो बेटा ये 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करेगा अब इसको एक्सपेंड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में तो इस तरह से जूम कर करके हम क्या करते थे डेसिमल नंबर्स को ड्रॉ करते थे ये देखो ये सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये टू पॉइंट एट है तो पहला जो नंबर होगा वो टू पॉइंट सेवन वन होगा ये टू पॉइंट सेवन टू होगा टू पॉइंट सेवन थ्री होगा टू पॉइंट सेवन फोर होगा टू पॉइंट सेवन फाइव होगा टू पॉइंट सेवन सिक्स होगा टू पॉइंट सेवन एट होगा टू पॉइंट सेवन नाइन होगा टू पॉइंट एट होगा ये नंबर नहीं आएगा टू पॉइंट एट आ जाएगा ठीक है अब देखो ये वो नंबर है जो हमें फाइंड करना था और ये नंबर टू और थ्री के बीच में ही लाई करता है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स के अलावा डेसिमल नंबर्स भी होते हैं ठीक है डेसिमल नंबर्स में फ्रैक्शन भी होती है ये देखो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करूं मान लो वन है डेसिमल रिमूव करेंगे तो थर्टीन बाय 13 by 10, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो फ्रैक्शन से ही हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं दोनों का मीनिंग एक ही है आप ये बोल सकते हो ठीक है तो बेटा नंबर्स भी दो तरह के होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब है जब कभी हमें रिमाइंडर जीरो मिल जाए ठीक है हम डिवाइड करना उसको स्टार्ट करें और रिमाइंडर जीरो मिल जाए उनको टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है देखो अभी हम बात करते हैं तो यहां पे कुछ और नंबर्स की बात करते हैं डेसिमल नंबर्स ठीक है फ्रैक्शन अब डेसिमल में भी दो तरह के डेसिमल नंबर्स होते हैं बेटा या फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग

एंड पॉइंट मिलने का मतलब है बेटा रिमाइंडर जीरो मिले चाहे वो डेसिमल प्लेसेस के बाद हमें मिले तो इसके लिए चेक करते हैं जैसे मैंने ट्वेंटी सेवन को एट से डिवाइड करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी सेवन को एट से एट थ्री जार ट्वेंटी ये बचा थ्री नाउ थ्री इज लेस देन एट तो डेसिमल ठीक है एक जीरो हमें मिलेगा एट थ्री जार अगेन अब बचेगा सिक्स एट सेवन सा फिफ्टी सिक्स अब बचेगा फोर जीरो एट फाइव फोर जीरो तो तीन डेसिमल प्लेसेस के बाद रिमाइंडर मुझे जीरो मिल गया तो इस टाइप के जो नंबर्स हमारे पास होते हैं जो डिवाइड कंप्लीट हो जाती है कंप्लीट खत्म हो जाते हैं ठीक है रिमाइंडर लास्ट में जीरो मिल जाता है चाहे वो तीन प्लेसेस के बाद मिले चाहे वो दस प्लेसेस के बाद मिले लेकिन वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर कभी जीरो आता ही नहीं उन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं सेवन को डिवाइड करता हूं बेटा थ्री से थ्री टू झा सिक्स वन डेसिमल देंगे बेटा थ्री थ्री झा नाइन दोबारा से वन जीरो थ्री थ्री झा नाइन दोबारा से वन जीरो थ्री थ्री झा नाइन दोबारा से वन जीरो ठीक है ठीक है फिर थ्री थ्री जो नाइन दोबारा से वन जीरो तो आप चेक करो ये बार बार वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो ही मुझे मिलता जा रहा है ठीक है दोबारा से मुझे वन जीरो मिल गया तो बार बार मुझे वही मिल रहा है तो ये कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं देगा नहीं देगा तो इस नंबर को लिखा जा सकता है टू थ्री बार ठीक है इन नंबर्स को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ओके इन नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोला जाएगा जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते ओके okay? अब देखो अब हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं अब हम कुछ स्टडी कर सकते हैं क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे रेशनल और इरेशनल तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं इरेशनल नंबर कौन से होते हैं तो मैं आपको एक, एक और बात बताता हूं कि डेसिमल के अंदर डेसिमल के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं ठीक है डेसिमल के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगे मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही हम वहां पे बार अप्लाई कर पाएंगे ठीक है ये देखो अगर मैं लिखता हूं थ्री पॉइंट वन सेवन वन वन सेवन वन 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 सेवन एंड आप चेक करो हर बार एक वन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ना तो मैं यहां पे बार अप्लाई कर सकता हूं है ना और ना ही ये टर्मिनेट होगा कहीं पे जाके ये इसी तरह से इसी पैटर्न से ये नंबर चलता रहेगा तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं बेटा ये जो नंबर्स होते हैं ठीक है ना जो कि हमारे पास देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है एंड सो ऑन लगा हुआ है इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है इन नंबर्स को ध्यान से देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी था नॉन टर्मिनेटिंग तो ये नंबर भी है लेकिन ये रिपीट हो रहा है बार बार वही नंबर आ रहा है जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर बार अप्लाई कर पाऊंगा ठीक है ये तो चलो खत्म ही हो गया था ये तो टर्मिनेट ही हो गया था तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरह के होते हैं बेटा एक तो जिसमें रिपीटेशन आए एक जिसमें रिपीटेशन ना आए तो अगर मैं अपने नंबर सिस्टम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा अच्छा ये नंबर होते कौन से आपके माइंड में चल रहा होगा अगर हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो या तो वो रिपीटेशन आएगी है ना या वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा दो ही तो काम होते हैं अब आपके माइंड में चल रहा होगा यहां पे कौन से नंबर होते हैं ऐसे वाले कौन से होते हैं कि ऐसे चलता रहे ये तो हम अपनी मर्जी से लिख पाएंगे या नंबर दिखते किस तरह हैं के हैं तो मैं आपको बताता हूं अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो नोट अ परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यही वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे फॉर ठीक है फॉर एग्जाम्पल रूट थर्टीन फॉर एग्जाम्पल रूट ट्वेंटी सिक्स ये वो नंबर्स हैं बेटा ठीक है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं मतलब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स ये नंबर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर ये नंबर होंगे जैसे स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स आ गया तो वो तो सिर्फ सिक्स आएगा जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया ठीक है तो ये नंबर्स इसके अंदर नहीं आ सकते अच्छा अब एक बात समझो अब हम अपने नंबर सिस्टम को हम अपने रियल नंबर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं आप कैसे भी इसको डिवाइड करके समझ सकते हो मैं इसको दो तरह से डिवाइड करूंगा ये देखो कैसे डिवाइड करेंगे सबसे पहली चीज रियल नंबर्स इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं सबसे पहला है बेटा रेशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर्स ठीक है अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग नंबर होंगे या अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग रिपीट होने चाहिए वो रिपीटिंग नंबर्स होने चाहिए अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है इरेशनल नंबर सिंपल सा एक बात है इरेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे प्लस नॉन रिपीटिंग होंगे बस इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है आप समझने के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स इरेशनल होंगे इसके अलावा जो भी नंबर्स बचेंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर आपके पास आने वाले हैं अब रेशनल के अंदर सारी चीजें आती है रेशनल के अंदर क्या क्या आएंगे बेटा नेचुरल नंबर्स आएंगे ठीक है, होल नंबर्स आएंगे इंटीजर्स भी आएंगे और इसके अलावा कौन से नंबर बचते हैं डेसिमल नंबर्स बचे हुए हैं फ्रैक्शंस बचे हुए हैं परसेंटेज बचा हुआ है ठीक है और भी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर इसी के अंदर आएंगे इरेशनल में सिर्फ और सिर्फ वही नंबर आएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे यहां पे टर्मिनेटिंग नहीं बेटा यहां पे रिपीटिंग आएगा नॉन रिपीटिंग इसको एक बार करेक्ट करना ठीक है ना यहां पे क्या लिखा हुआ था नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर्स जो होंगे वो रेशनल हैं और यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये जो नंबर्स होंगे सिर्फ यही रेशनल होंगे इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे रूट टू रूट सेवन और डेसिमल में भी लिख सकते हो ठीक है ना जैसे मैंने लिखा फिफ्टी जीरो इंक्रीज हो जाती है कोई भी पैटर्न आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो ऐसा जरूरी नहीं आपको एग्जाम्पल में सिर्फ यही लिखते जाना है आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो ठीक है चलो ये तो हो गया एक हमने रियल नंबर को डिवाइड किया कुछ पार्ट्स में ओके अब एक और पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इस बार टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड करके देखते हैं आपको जैसे इजी लगे आप वैसे डिवाइड कर सकते हो ये रियल नंबर्स हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट है बेटा टर्मिनेटिंग दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग तो हम समझ चुके हैं टर्मिनेट का मतलब है कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर जीरो आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता ठीक है? अब non -terminating के अंदर बहुत सारे आते आते हैं, हैं ठीक है? इसमें भी और नॉन रिपीटिंग भी आते हैं चेक करो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यहां पे जो टर्मिनेटिंग है हमारे पास इसके अंदर सारी चीजें आएगी नेचुरल नंबर भी आएगा होल नंबर भी आएंगे ठीक है इंटीजर्स भी आएंगे इसके अलावा डेसिमल नंबर्स ठीक है इसके अलावा फ्रैक्शन नंबर्स लेकिन फ्रैक्शन भी कौन सी यहां पे कुछ कंडीशन है फ्रैक्शन के ऊपर वो कंडीशन क्या है वो हम आने वाले जब एक्सरसाइजेस करेंगे तब उस चीज को क्लियर करेंगे यहां पे फिलहाल हम स्टार लगा देते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी कंडीशन अप्लाई है है ठीक रिपीटिंग नंबर्स जो पी वाई क्यू की फॉर्म में तो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग के केस में ठीक है डिनोमिनेटर पे कुछ कंडीशन होगी अब एक बात समझो ये जो नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों नंबर्स रेशनल नंबर होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स बच गए ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल्स तो हम लिख ही चुके हैं तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं इरेशनल कौन से होते हैं दो तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है ठीक है आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से ठीक है इसके अलावा कुछ टर्म्स वो टर्म्स क्या है कुछ बच्चों को नंबर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जैसे एकदम से बोल दिया जाए बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम कौन से होंगे कंपोजिट नंबर एक वर्ड बोल दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं उस कंफ्यूजन के लिए मैं आपको सारे नंबर्स दोबारा से बताऊंगा ये देखो स्टार्ट हुए थे इवन नंबर से फिर आए बेटा ओल्ड नंबर्स ठीक है उसके अलावा आए हमारे पास प्राइम नंबर्स उसके अलावा कंपोजिट नंबर्स ठीक है इसके अलावा हमारे पास आए को प्राइम नंबर इसके अलावा हमारे पास आए ट्विन प्राइम नंबर तो ये छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसके अलावा जैसे हमारे पास दो टर्म और बचती हैं वो दो टर्म हमारे पास क्या है हम इसके बाद पढ़ेंगे एक बार इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं तो इवन नंबर की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इवन नंबर number वो नंबर्स होते हैं ठीक है जो टू से डिवाइड हो जाए दो से डिवाइड होने वाले सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं इवन नंबर्स होते हैं आप लिख भी सकते हो नंबर्स विच आर डिविज़ल बाय टू फॉर एग्जाम्पल टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड सो ऑन ऑड नंबर्स होते हैं नंबर्स विच नॉट डिवाइड बाय टू जो दो से डिवाइड ना हो वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन चलो ये नंबर्स तो सभी को पता ही है कि इवन नंबर क्या होते हैं ऑड नंबर क्या होते हैं ना इसमें थोड़ी कंफ्यूजन भी कमी होती है मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होता है प्राइम नंबर्स की अगर बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं अब एक और चीज आ गई फैक्टर्स क्या होते हैं फैक्टर्स हमारे पास होते हैं बेटा वो नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड करें जैसे सिक्स के फैक्टर्स क्या है तो सिक्स को डिवाइड करने वाले नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो सिक्स को कौन कौन डिवाइड करता है वन डिवाइड करता है टू डिवाइड करता है थ्री डिवाइड करता है और सिक्स डिवाइड करता है तो इसके चार फैक्टर्स हमारे पास होते हैं ठीक है ना जो गिवन नंबर को डिवाइड करे उनको फैक्टर्स बोला जाता है तो प्राइम नंबर में क्या है हमारे पास नंबर्स विच ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट्स सेल्फ वन और इट्स सेल्फ सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो टू ठीक है टू को कौन डिवाइड करता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है टू टू को कौन डिवाइड करता है एक तो वन और एक टू दो ही फैक्टर हुए थ्री फाइव सेवन ठीक है नाइन नहीं होगा नाइन को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं वन नाइन और उसके अलावा है थ्री तो तीन फैक्टर्स हो गए दो फैक्टर नहीं रहे ठीक है तो इसके बाद आएगा इलेवन एंड सोन अब यहां पे कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि यहां पे वन नहीं आया वन भी तो ऐसा ही नंबर है लेकिन मैं आपको बता दूं वन इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड वन इज नॉट अ कंपोजिट नंबर ऑल्सो वन इज अ यूनिक नंबर क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि उसके दो फैक्टर्स होंगे और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ठीक है ठीके? तो मोर देन टू फैक्टर्स एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे फोर है फोर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे एक तो one से डिवाइड होता है एक टू से होता है और एक फोर से होता है तो दो से ज्यादा हो गए ना तीन तीन फैक्टर्स हो गए ठीक है सिक्स हो गया एट हो गया नाइन हो गया टेन हो गया ट्वेल्व हो गया फोर्टीन फिफ्टीन एंड ऑन तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं तो यहां पे एक स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन आता है छोटा सा कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड नंबर बताओ सबसे स्मालेस्ट होना चाहिए ओड होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए तो ध्यान से देखो सबसे स्मालेस्ट ओड वो है 9 ये ओड है ये कंपोजिट है और सबसे छोटा भी है ठीक है तो 9 इसका आंसर हो गया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो देखो 1 ना तो मैंने यहां पे लिखा है ना 1 मैंने यहां लिखा क्योंकि इसकी डेफिनेशन है जिसके दो फैक्टर्स हो इसकी डेफिनेशन है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो वन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है ना इस वाली कंडीशन को ना इस वाली कंडीशन को ठीक है और देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स हमेशा दो नंबर्स के बारे में बात करेंगे ठीक है ना टू नंबर्स हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर तो देखो मैंने आपको फैक्टर के बारे में बताया ना जो नंबर को डिवाइड करे अगर मेरे पास दो ऐसे जिनका सिर्फ नंबर नहीं है जो दोनों, को देखो, जैसे मैंने लिखा बेशक से दोनों में से कोई एक प्राइम हो दोनों प्राइम हो या दोनों में से कोई भी प्राइम ना हो तो भी काम चल जाएगा लेकिन फोर को डिवाइड करने वाले बेटा वन टू और फोर और फाइव को डिवाइड करने वाला नंबर है ओनली वन और फाइव तो दोनों में कॉमन कौन है दोनों में कॉमन है वन सिर्फ वन तो यहां पे भी मैंने वही लिखा है कि दो नंबर्स जिनका सिर्फ वन एज अ कॉमन फैक्टर होगा जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है वन है उन नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोला जाएगा ठीक है इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे मैं लिखता हूं नाइन और मैं लिख देता हूं ट्वेल्व तो नहीं लेंगे फिफ्टीन भी नहीं लेंगे ठीक है फोर भी नहीं ले सकते 25 ले लेते हैं ये ये दोनों भी को हैं। भी हैं, हैं, इनमें सिर्फ one ही आएगा आएगा, और और कोई नहीं आएगा, ठीक है? ट्विन प्राइम होते साथ 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 वाले प्राइम जैसे five और seven, ये साथ -साथ वाले जैसे जिनमें मैक्सिमम दो का डिफरेंस होता है और भी हैं सेवनटीन और नाइनटीन ठीक है और भी हमारे पास फोर्टी वन और फोर्टी थ्री ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ध्यान से देखो ओके okay, बेटा चलो अब आगे बात करेंगे तो ये कुछ बेसिक सी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जो बच्चों को पता नहीं होती हैं। ये जरूर पढ़ना इसके अलावा देखो इसके अलावा दो और टर्म्स पहली है एच दूसरी है एल सी एफ एचसीएफ so, हमारे पास होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मेरे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करो अब एक बात समझो यहां पे मैंने फैक्टर लिखा है यहां पे मैंने मल्टीपल लिखा है तो पहले तो फैक्टर और मल्टीपल में ही डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों को कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी तो फैक्टर्स बेटा जो गिवन नंबर को डिवाइड करें मल्टीपल्स गिवन नंबर जिनको डिवाइड करें जैसे एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं ये देखो अगर मैं लिखता हूं सिक्स तो सिक्स जो है वो डिवाइड होता है बेटा वन टू थ्री और सिक्स के साथ तो ये इसके फैक्टर्स होंगे ठीक है और सिक्स जिनको डिवाइड करता है सिक्स किस किस को डिवाइड करता है तो सिक्स डिवाइड करता है बेटा, so बहुत मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ सिक्स ये हमारे पास होंगे फैक्टर्स ऑफ सिक्स तो एक छोटा सा डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फैक्टर्स जो नंबर डिवाइड करें गिवन नंबर को मल्टीपल्स गिवन नंबर जिनको डिवाइड करें तो ये बहुत सारे हो सकते हैं ये इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन ये फिक्स होंगे दो है एक है तीन है पांच है दस है ये फिक्स होंगे ठीक है अगर इनमें डिफरेंस आपको पता लग गया तब हम आगे बात कर सकते हैं इसको साइड में रखते हैं ओके आगे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं जैसे मैंने बात करी बेटा ट्वेल्व की और चलो बात कर लेते हैं 15 की तो 12 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन-कौन से हैं 1 से डिवाइड होता है 2 से होता है 3 से होता है 4 से होता है 6 से होता है और 12 से होता है ये सारे नंबर्स इनको डिवाइड कर रहे हैं 15 को कौन-कौन डिवाइड -कौन कर रहा है 1 डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है 5 डिवाइड कर रहा है ठीक है उसके अलावा बस और तो कोई नहीं कर रहा 15 डिवाइड कर रहा है तो इनके अंदर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है थ्री और वन सिर्फ यही कॉमन फैक्टर्स हैं इसके अलावा और कोई फैक्टर तो कॉमन नहीं है ठीक है तो देखो वैसे तो वन भी इनको डिवाइड कर रहा था थ्री भी डिवाइड कर रहा है दोनों को लेकिन इन दोनों में हाईएस्ट कौन है सबसे मैक्सिमम ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे तो बेटा वो नंबर है थ्री तो तो इसको लिखेंगे एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है है. है? जो गिवन दोनों नंबर्स को करता है। इसी तरह से least common multiple का क्या meaning है? तो अगर मैं 12 की बात करूं, 12 किस किस को डिवाइड करते हैं 15 किस ट्वेल्व को ट्वेंटी फोर तो को थर्टी सिक्स को फोर्टी एट को सिक्सटी को, को इसके अलावा 72, टू 96 ठीक है 108 120 एंड सो ऑन तो ये वो नंबर्स हैं 12 जिनको डिवाइड करेगा और भी नंबर्स हैं बात करें 15 की तो ये 15 को 30 को 45 को 60 को 75 90 105 120 एंड सो ऑन ये भी बहुत सारे नंबर्स को डिवाइड करता है कुछ नंबर्स मैंने लिखे अब कॉमन की बात की है बेटा तो कॉमन नंबर ढूंढते हैं दोनों में कॉमन नंबर क्या क्या है फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी वन ठीक है और भी बहुत सारे नंबर होंगे होगा? होगा, so तो यहाँ पे 60 भी प्रेजेंट है 120 भी प्रेजेंट है नेक्स्ट नंबर 180 भी आएगा तो बहुत सारे नंबर्स होंगे लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए वैसे तो हमें एलसीएम निकालना आता है

ठीक है ओके बेटा अब देखो हमने क्या क्या पढ़ाया देखो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में ठीक है जिसके अंदर वन टू थ्री एंड सोन आते हैं फिर हमने पढ़ा होल नंबर्स के बारे में होल नंबर्स में जीरो और ये नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं ये दोनों नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है मतलब दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी इसके अलावा इंटीजर्स के बारे में पढ़ा ठीक है इंटीजर्स में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इसके अलावा जीरो और ये नंबर भी प्रेजेंट होंगे इसके अलावा हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा तो ये सभी के सभी रेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं डेसिमल भी आ जाते हैं फ्रैक्शन भी आ जाते हैं ठीक है प्रॉपर इम इमोपर जो भी है सारी चीजें आ जाती हैं ओके रेशनल नंबर की और भी डेफिनेशन अभी हमें पढ़नी है काफी कुछ हमें पढ़ना है ठीक है अगर फिलहाल मैं आपको छोटी सी एक डेफिनेशन बताऊं तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी है इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा और चेंज करके अच्छे से और पढ़ेंगे नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू जहां पे क्यू जीरो नहीं होगा ये नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था वो नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां पे क्यू जीरो नहीं होगा उन नंबर्स को रेशनल नंबर बोला जाता है ठीक है इरेशनल जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता सीधी सी बात है तो ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर में ही आते हैं डेसिमल वाले हो गए जीरो पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट थ्री बार ठीक है ये सारे नंबर्स किस में आते हैं रेशनल में ही आते हैं और ये सभी इसी के पार्ट है तो ये हमने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल क्या होता है टर्मिनेटिंग क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है इसके अलावा और भी काफी सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है तो इस लेक्चर के इस लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है कि हम इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं रियल सिस्टम क्या होता है ठीक है कौन कौन से नंबर प्रेजेंट होते हैं इन सभी चीजों के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर से आने वाले लेक्चर में हम यूक्ट्स रिविजन लेमा जो टेंथ क्लास का पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे उसका यूज क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे So thank you for watching students.